Hello everyone, today we are going to study that how can we determine upper bound and lower bound in any hash diagram. Okay, so let's study. Okay, so first of all we will study its definition, then we will understand its concept, and then we will do some more questions on it. Okay, so let's start with its definition part. Okay, upper bound, let B be a subset of A. An element X belongs to A is in upper bound of B if y comma x belongs to coset for all element y that belongs to B. Okay, so ये क्या कहता है? ये कहता है suppose हमारे पास कोई set है B. Okay, इस hash diagram में हमने B को set ले लिया जिसके element है ये f और g. Okay, so suppose हमारे पास है एक B set जो कि A का subset है. A क्या है? ये पूरा hash diagram है. Okay, so B का अगर हमको upper bound निकालना है, so हम कैसे निकालेंगे? B का अपर बाउंड वो एलिमेंट कंटेन करेगा जो कि B के सारे एलिमेंट से रिलेट हो रहा होगा. ऐसे एलिमेंट कंटेन करेगा अपर बाउंड जो कि B के सारे एलिमेंट से रिलेट हो रहा होगा. दैट इज अगर कोई हमको अपर बाउंड के लिए कोई एलिमेंट मिला है तो वो F से भी रिलेट हो रहा हो और G से भी रिलेट हो रहा हो. दैट इज वो F भी उस एलिमेंट को रिलेट कर रहा हो और G भी उस एलिमेंट को रिलेट कर रहा हो. ओके, सो अपर बाउंड निकालते कैसे ये आपको बताता हूं, सिंपल तरीका बता रहा हूं. दैट इज F किस किस को रिलेट कर रहा है फ्रेंड्स? F एक तो खुद को रिलेट करेगा F. क्यों? क्योंकि कोई भी हैश डायग्राम रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉलो करता है. ओके, F खुद को रिलेट करेगा और रिलेशनशिप ऊपर जाती है तो I को रिलेट करेगा. ओके, और G को रिलेट करेगा, ऊपर जा रही है. ओके, रिलेशनशिप, और फिर G से होते हुए J को रिलेट करेगा और फिर G से होते हुए K को भी रिलेट करेगा. ठीक है फ्रेंड्स, अब G किस किस को रिलेट कर रहा है? G एक तो खुद को रिलेट करेगा. ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉलो करता है कोई भी हैश डायग्राम में इसलिए. ओके, सो जी एक तो खुद को रिलेट करेगा और जे को रिलेट करेगा. अब व्हेन वी विल गो अपवर्ड्स, ओके, जे को रिलेट करेगा और जी के को रिलेट करेगा. ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम उन कॉमन एलिमेंट्स को निकालेंगे जो जिससे एफ रिलेट कर रहा है और जी भी रिलेट कर रहा है. सो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं? एक जी आ रहा है, एक जे आ रहा है और एक के आ रहा है. ओके, सो जी जे के, जी जे के होगा अपर बाउंड. अपर बाउंड में होंगे एलिमेंट जी जे के. सो मैंने क्या बोला था? ऐसे एलिमेंट जो कि बी के हर एक एलिमेंट से रिलेट हो रहे होंगे. अब देखते हैं जी. ओके, जी एफ से रिलेट हो रहा है और जी खुद से तो रिलेट होगा ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन की वजह से. अब जे जे ऐसे जाते हुए जी एफ से रिलेट हो रहा है और जी से भी रिलेट हो रहा है ऐसे जाते हुए, और के जी से भी रिलेट हो रहा है और ऐसे पाथ में जाते हुए अपवर्ड्स एफ से भी रिलेट हो रहा है. ओके, सो के भी एफ और जी से रिलेट हो रहा है. सो ऐसे एलिमेंट जो कि बी के हर एक एलिमेंट से रिलेट हो रहे हो. अब ये बताइए आई क्यों नहीं लिया हमने? आई क्योंकि आई सिर्फ एफ से रिलेट हो रहा था, आई जी से रिलेट नहीं हो रहा था. ओके फ्रेंड्स, सो ऐसे एलिमेंट लेंगे जो कि एफ और जी मतलब बी सेट के हर एक एलिमेंट से रिलेट हो रहे होंगे. अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि लोअर बाउंड क्या होता है. ओके, सो लोअर बाउंड ऐसे एलिमेंट कंटेन करता है जो बी के सारे एलिमेंट को रिलेट कर रहे हो. बी के सारे एलिमेंट को रिलेट कर रहे हो, लोअर बाउंड ऐसे एलिमेंट कंटेन करता है जो कि बी के सारे एलिमेंट को रिलेट कर रहे हो. अब वो कैसे करेंगे हम? ओके, सो एफ को कौन कौन रिलेट कर रहा है यहां पे? एफ को एक तो ऐसे जाते हुए ए रिलेट कर रहा है, ठीक है, और हमारा ई रिलेट कर रहा है, और ऐसे जाते हुए बी रिलेट कर रहा है, कॉमा सी रिलेट कर रहा है ऐसे जाते हुए, और एफ तो खुद को रिलेट करेगी, कॉमन सी बात है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की वजह से. ओके, और डी रिलेट नहीं करेगा क्योंकि डी ऐसे जा रहा है, इसको नीचे जाना पड़ेगा और रिलेशनशिप हमेशा ऊपर जाती होगी. सो ये हो गई एफ की बात. अब देखते हैं ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो जी को रिलेट कर रहे हैं. ओके, जी को कौन कौन रिलेट कर रहा है? सो ए रिलेट कर रहा है. ओके, और हमारा ई भी रिलेट कर रहा है, बी भी रिलेट कर रहा है, ए ई बी, और डी एच भी रिलेट कर रहे हैं, डी ऐसे जाते हुए और एच भी ऐसे जाते हुए. सो डी हो गया, एच हो गया. ओके फ्रेंड्स, और ये एफ रिलेट कर रहा है और सी रिलेट कर रहा है. सो एफ और सी. अब हम मेरी डेफिनेशन के अनुसार मैंने आपको बताया था कि लोअर बाउंड ऐसे एलिमेंट को कंटेन करता है जो कि बी के सारे एलिमेंट को रिलेट करे. अब हम कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन साफ साफ दिख रहा है ए बी एफ सी,
दोनों कॉमन आ रहे हैं यहाँ पे भी, ए ई बी एफ सी. ओके, सो ए ई बी एफ सी हमारे दोनों में कॉमन आ रहे हैं. सो अब लोअर बाउंड होगा हमारा, लोअर बाउंड में जो एलिमेंट होंगे वो होंगे हमारे ए ई बी एफ सी. ओके, सो ये वो एलिमेंट हैं जो कि B के सारे एलिमेंट को रिलेट कर रहे हैं. ओके, A, E, B, F, C ऐसे एलिमेंट हैं जो कि हैश डायग्राम में B के हर एक एलिमेंट को रिलेट कर रहे हैं. ओके, सो ये हो गया लोअर बाउंड. ओके, सो अब एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. लेट B बी अ सबसेट ऑफ सेट A. लेट B बी अ सबसेट ऑफ सेट A. व्हाट इज सेट A? दिस हैश डायग्राम. एन एलिमेंट X दैट बिलोंग्स टू सेट A इज इन लोअर बाउंड of set B if x comma y belongs to poset for all element y that belongs to set B. okay, so ये हो गई बात हमारी lower bound की. okay friends, so अब हम कुछ question करते हैं upper bound और lower bound पे. okay friends, so let's start. okay, so सबसे पहले इस question में हम upper bound निकालते हैं. okay, so upper bound निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि B set किस से किससे रिलेट कर रहा है. ओके, सो पहले देखते हैं D किस किससे रिलेट कर रहा है. ओके, सो D हमारा रिलेट कर रहा है G से, रिलेट कर रहा है I से, रिलेट कर रहा है, और D से तो खुद से तो रिलेट करेगा ही ड्यू टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ओके, D से रिलेट कर रहा है, G से रिलेट कर रहा है, और I से रिलेट कर रहा है. ओके, D G से रिलेट कर रहा है, I से रिलेट कर रहा है, और खुद से तो करेगा ही. और E किससे रिलेट कर रहा है? E G से रिलेट कर रहा है, S से रिलेट कर रहा है, और ऐसे होते हुए I से भी रिलेट कर रहा है. ओके, सो E हमारा और खुद से तो रिलेट करेगा ही. ओके, ई हमारा ई जी एच आई से रिलेट कर रहा है, ई जी एच कॉमा आई से रिलेट कर रहा है. और एफ देखते हैं, एफ एफ हमारा खुद से तो रिलेट करेगा ही. ओके, और एस से रिलेट कर रहा है ऐसे जाते हुए, और आई से रिलेट करेगा. ओके, सो एफ हमारा एफ से, एच से, और आई से रिलेट कर रहा है. अब हम कॉमन देखते हैं कि इसमें कॉमन कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं तीनों में. ओके, सो कॉमन इन सब में देखा जाए तो सिर्फ आई आ रहा है. आई है जो कि तीनों एलिमेंट डी ई एफ से रिलेट हो रहा है. ये सिर्फ आई एक ऐसा एलिमेंट मिला जो कि डी से भी रिलेट हो रहा है, ई से भी रिलेट हो रहा है, और एफ से भी रिलेट हो रहा है. सो अपर बाउंड में हमारा आएगा आई. अपर बाउंड ऑफ बी में कौन सा एलिमेंट आएगा? सिर्फ आई. ओके, अब हम बात करते हैं कि अब हमारे लोअर बाउंड में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे. ओके फ्रेंड्स, सो लोअर बाउंड में हम देखते हैं कि डी ई एफ किस किस से रिलेट हो रहे हैं. ओके, सो मतलब ऐसे एलिमेंट देखेंगे जो कि डी ई एफ को रिलेट कर रहे हैं. ओके, सो डी को कौन कौन रिलेट कर रहा है? डी को हमारा ए रिलेट कर रहा है और बी रिलेट कर रहा है. ओके, सो डी को हमारा ए रिलेट कर रहा है और बी रिलेट कर रहा है. ऐसे जाओगे इस बात से तो ए रिलेट कर रहा है और बी रिलेट कर रहा है, और खुद तो डी खुद को तो रिलेट करेगा ड्यू टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन. और ई को देखते हैं, ई को हमारा बी रिलेट कर रहा है और सी रिलेट कर रहा है, और इस बात से जाते हुए ए भी रिलेट कर रहा है. ओके, सो ई को खुद ई करेगा बी सी और ए, बी सी और ए. ओके, ई को ई बी सी ए रिलेट कर रहा है. अब एफ को देखते हैं, एफ को कौन कौन रिलेट कर रहा है? एफ को हमारा सी रिलेट कर रहा है, ए रिलेट कर रहा है, और खुद तो एफ खुद को रिलेट करेंगे, एफ सी ए. ओके, सो अब देखते हैं कॉमन ऐसा कौन सा एलिमेंट आ रहा है जो तीनों को रिलेट कर रहा है. सो कॉमन एलिमेंट जो मेरे को साफ साफ दिख रहा है वो है ए. ए ऐसा एलिमेंट है जो कि तीनों को रिलेट कर रहा है. ओके, सो लोअर बाउंड में कौन सा एलिमेंट आएगा? सो लोअर बाउंड में आएगा हमारा ए. ओके, सो अपर बाउंड मिल गया और लोअर बाउंड मिल गया. अब इसमें देखते हैं, इसमें हमारा सबसे पहले हम अपर बाउंड निकालेंगे. सो देखते हैं बी किस, बी और सी किस किस को रिलेट कर रहा है. ओके, सो हमारा बी हमारा रिलेट कर रहा है, डी को रिलेट कर रहा है, ई को रिलेट कर रहा है, और एफ को रिलेट कर रहा है. डी ई एफ और बी खुद को तो रिलेट करेगा ही. ओके, अब देखते हैं हमारा सी किस किस को रिलेट कर रहा है. सी हमारा डी को रिलेट कर रहा है, ई को रिलेट कर रहा है, और एफ को रिलेट कर रहा है. सी का भी सेम आ रहा है. ओके, और खुद को तो रिलेट करेगा. सो सी हमारा डी ई और एफ को रिलेट कर रहा है. अब देखते हैं कॉमन कौन से आ रहे हैं एलिमेंट. कॉमन आ रहे हैं हमारे एलिमेंट वो है डी ई एफ. ओके, डी ई और एफ. ओके, डी ई और एफ. सो हमारा अपर बाउंड में कौन कौन से आएंगे? अपर बाउंड में आएंगे एलिमेंट्स डी ई और एफ. ओके, अब बात करते हैं हमारे लोअर बाउंड में कि हमारे लोअर बाउंड में अब कौन कौन से एलिमेंट आएंगे. सो लोअर बाउंड में सबसे पहले हम देखेंगे कि बी और सी से कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो रिलेट कर रहे हैं. ओके फ्रेंड्स, सो देखते हैं कि बी से कौन कौन रिलेट कर रहा है. बी से एक ए रिलेट कर रहा है और खुद बी करेगा. ओके, एक ए रिलेट कर रहा है और खुद बी करेगा.
और सी से देखते हैं, सी से भी ए रिलेट कर रहा है और खुद सी करेगा, ए और सी। ओके सो अब कॉमन कौन सा आ रहा है, कॉमन सिर्फ ए आएगा। ओके सो लोअर बाउंड में कौन आएगा, लोअर बाउंड में आएगा हमारा ए। ओके अब बात करते हैं इस एग्जांपल की। ओके सो सबसे पहले हम अपर बाउंड निकालेंगे एज यूजुअल। ओके सो देखते हैं कि सी किस किस को कनेक्ट कर रहा है, सी हमारा ई को कनेक्ट कर रहा है और ई के अलावा और मतलब ये खुद को तो करेगा ड्यू टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन हेल्थ डायग्राम। ओके और ई और सी को कर रहा है। अब देखते हैं डी किस किस को रिलेट कर रहा है, डी हमारा एफ को रिलेट कर रहा है और इस पाथ से होता हुआ ई को रिलेट कर रहा है और खुद को तो डी रिलेट करेगी। ओके सो ई एफ एज वेल एज डी। ओके सो हम देखते हैं कि अपर बाउंड कौन सा है। ओके सो अपर बाउंड में कॉमन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारा सिर्फ ई आ रहा है। ओके सो अपर बाउंड में एलिमेंट आएगा वो होगा ई। ओके अब बात करते हैं हम लोअर बाउंड की। ओके सो हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो बी के सारे एलिमेंट को रिलेट कर रहे हैं। ओके सो सबसे पहले हम देखते हैं कि सी को कौन कौन रिलेट कर रहा है। ओके सो सी को हम देख पा रहे हैं ए रिलेट कर रहा है और सी खुद को रिलेट करेगा ड्यू टू रिफ्लेक्स रिलेशन। ओके सो सी हमारे में ए और सी। ओके ए और सी। और अब हम देखते हैं डी को कौन कौन रिलेट कर रहा है, डी को हमारा ए रिलेट कर रहा है फ्रेंड्स और बी रिलेट कर रहा है और डी खुद। ओके सो ए बी और डी। ओके सो हम देखते हैं कॉमन हमको साफ साफ दिख रहा है ए है। ओके सो लोअर बाउंड में आएगा हमारा ए। ओके सो अपर बाउंड मिल गया और लोअर बाउंड मिल गया। ओके फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए। थैंक यू ऑल।